आज तो बहुत तेज धूप निकली हुई है यहाँ पे कांगड़ा में, तो कितना मस्त मौसम था लास्ट वीडियो में आपने देखा था। हेलो एवरीवन, दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं, मेरे को जरा बैंक में काम है तो रेडी हो गया हूँ मैं। बाकी यार मौसम का क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, थोड़े दिन पहले बारिश पड़ रही तो इतनी ठंडा ठंडा हो गया था, अभी फिर से ऐसे गर्मी सी लगनी शुरू हो गई है। भाई देखो बाइक अभी तक नहीं चलाई है, तब से बस खड़ी है। सोचा था उस दिन भी बाइक चलाऊंगा लेकिन फिर कांगड़ा चला गया और अभी पता नहीं कब लगेगा इसका नंबर। दिल ही नहीं करता बाइक निकालने का यहाँ शहर के अंदर, यहाँ सोचते हैं बस स्कूटी ले चलो, यही ठीक रहती है ना, गियर डालने ना कुछ और सामान भी कुछ लेके आना तो डिक्की के अंदर आ जाता है। चल कोई नहीं, तेरे को भी चलाता हूँ जल्दी। गर्मियाँ जितनी मर्जी हों लेकिन ये सफ़ेदों के नीचे कोई आ जाए ना तो यहाँ पे छाया बड़ी होती है, तो यहाँ पे बड़ी ठंडक लगती है सफ़ेदों के नीचे। रनिंग करते हैं सुबह सुबह और शाम को लड़के वगैरह जो फौज में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, क्योंकि मैं भी कभी कभार रनिंग कर ही लेता हूँ, डेली तो नहीं हो पाती। मैं जब जाता हूँ तो ये सफ़ेदों के नीचे छाया ही रहती है ना ज़्यादातर, तो काफ़ी घने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ठंडक रहती है चाहे जितनी मर्जी गर्मियाँ हो। अभी यहाँ पे बैंक आया था PNB, ज़रा काम था, और यहाँ पे तो लंच टाइम है तो पहले बाकी का सामान लेना थोड़ा सा। अदिति कह रही थी आज बाहर से कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो ओहो हेलमेट तो डाला ही नहीं, हेलमेट डालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चीज़ कभी नहीं छोड़ता यार कि हेलमेट वगैरह के बिना मेरे को नहीं अच्छा लगता चलाना, जितना मर्जी हो जाए। तो अदिति कह रही थी कि शाही पनीर ले आ, बाहर से खाते हैं आज, और बटर नान ले आइयो, तो पहले वो पैक करवा लेते हैं, 10-15 मिनट वहाँ पे लग जाएंगे, तब तक इनका लंच टाइम भी ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ का काम करवाते हैं आके। गुरु नानक ढाबे पे आया हूँ, ये जो पुराना पेट्रोल पम्प होता था इसके, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है इसके बस सामने ही है ये, तो यहाँ से करवाया, अभी पैक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और बैंक का काम करके तो आ गया हूँ, और ये आया शाही पनीर जी, टेस्ट करते हैं अब इसको कैसा निकलता है ये, साथ में ये बटर नान, फिर देखते क्या बनता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट डे, और सुबह के 9:45 हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, और थोड़ा लेजी सा डे है, रात को मैं थोड़ा लेट सोया था, ऐसे बस यूट्यूब से चलाते रहो बस ऐसे, आजकल वो जो टिकटॉक वाला फीचर कर दिया इन्होंने यूट्यूब में डाल दिया, बस स्क्रॉल करते रहो, टाइम का पता नहीं लगता कहाँ निकल गया। तो सुबह थोड़ा लेट उठा, आज कुछ ज़्यादा है नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, और अभी ये आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, अदिति की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और आज करना ये है कि अब धूप निकली है बड़ी अच्छी, और जो कपड़े वगैरह होते हैं वो सुखाने हैं धीरे धीरे करके, तो आज इस कमरे के मतलब ये जो बेड बॉक्स होता है इसके अंदर जो बड़ा होगा कंबल वगैरह या कपड़े वगैरह जो भी होंगे वो सब कुछ धूप में आज सुखाने हैं, तो उससे पहले चाय बन रही है, चाय पीने के बाद फिर ये सब काम करते हैं। यार जब कपड़े वगैरह निकाल देते हैं बेड में से, उसके बाद पता चलता है कितने कपड़े हैं, कितना सामान है। अभी मतलब सिर्फ एक बेड में से सामान निकाला और यहाँ पे पूरा जो एरिया है वो भर गया, कंबल ही कंबल, रजाइयाँ, फिर ये और क्या कहते हैं खंदोलू टाइप होते हैं वो, और गद्दा भी बाहर रखा है सूखने के लिए कि इसको भी धूप लग जाए, हर चीज़ को धूप लगवानी पड़ेगी क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो धूप लगवा के रखनी पड़ती है। बरसातों में इतने वो सिल्वर फिश होती है, वो मॉइस्चर के कारण कपड़ों को घुस जाती है और खाना शुरू कर देती है कपड़े, तो बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब इतने तो डाल दिए, अब सारे के सारे घर के एक साथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर बैठना भी हमने, अगर सारा कुछ निकाल दिया बैठे हैं कहाँ, और फिर उतना ही ज़्यादा काम होगा, डबल काम, मतलब जब अभी निकाल के रखने टाइम तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है फटाफट यहाँ पे लटका दिए, तार पे लटका दिए, मंजों पे डाल दिया, लेकिन जब उठाएंगे तय लगा के संभाल के रखने पड़ेंगे उस टाइम टाइम लगता है, इसलिए अभी सिर्फ एक बेड का हुआ, फिर दूसरे का होगा, फिर उसके बाद तीसरे का होगा। भाई गोड़ा सामान रखते रखते पसीने निकल गया बुरे हाल से, और ये बेड भी निकाल ही दिया आखिरकार कि इसको भी धूप लग जाए, और भी बड़ा कुछ निकाल दिया साथ में, देखो क्या निकला, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खरीदी तो गई हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। एक्चुअली ना मेरे बैक में यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई है, अब वो पता नहीं ये वेट्स उठाने की वजह से हुई है या कोई झटका लगा है या कुछ, पर कुछ ना कुछ झटका लगा है मेरे को ना ये राइट साइड पे बैक पे, तो कायरोप्रैक्टर को भी एक बार दिखाया था मैंने, उसने बोला था 4-5 सेशन में हो जाएगा ये ठीक, तो 4-5 सेशन तो मैं लगवा नहीं पाया चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में है कायरोप्रैक्टर, यहाँ आसपास कहीं मिलते नहीं हैं, अभी देखो चंडीगढ़ कब लगता है चक्कर, फिर से उसको दिखाएंगे, कायरोप्रैक्टर से नहीं होगा तो फिजियो को दिखाएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे, करवाना तो पड़ेगा ठीक।
और उसके बाद ही जाके इनका फिर से इस्तेमाल शुरू हो पाएगा। अभी जो है बादल होना शुरू हो गया, चाहे इस साइड देख लो चाहे इस साइड देख लो, हर तरफ से बादल आ रहा है। और मेरे को लग रहा है कि जो इतनी मेहनत किया और जो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अंदर की साफ़ सफाई चल रही है, सामान बाहर रखा है, बेड वगैरह बाहर रखे हैं, तो सोचा कि अंदर की सफाई कर लें उतनी देर में। लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये ख़राब ना हो जाए। बारिश आज तो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अभी बेड जो है उसको भी आगे करके पूरा जो पीछे का एरिया था उस पर पोचा लगा दिया गया है। मतलब ऐसे तो कहाँ ही लगता है नॉर्मल डेज में, जब तक इसको अच्छे से साइड ना करो। नीचे कितनी गंदगी थी, वो वूल जैसा गंदगी इकट्ठी हो जाती है, फिर जाले लग जाते हैं, वो सारा अच्छे से कर दिया, पीछे पीछे कर दिया, बाकी के कमरे में लगाना है पोचा। अब यहाँ पर हो पता क्या आ रहा है, एक तरफ से बादल आ रहा है और कंबल वगैरह को हाथ लगाए तो ऐसे लग रहा है ठंडे, क्योंकि ये तार पे डाले हुए ना तो इनको इतने अच्छे से धूप लग नहीं पा रही। ऊपर से जब जो ये है खंदोलू है, नीचे ये डाला है तो इसको फ्लैट पे अच्छे से धूप लग रही है, तो ये अच्छे से गर्म है। तो अब ऐसा करना पड़ेगा, तो अच्छे से सीख गए हैं, इनको 10-15 मिनट और रखते हैं, उसके बाद ये जो रजाइयाँ और ये जो कंबल वगैरह जो तार पर डाल दिए हैं इनको नीचे फेंकेंगे, मतलब यहाँ चटाई बिछाई हुई है चटाई पर और मंजों पर डाल देंगे, तभी इनको अच्छे से धूप लगी, नहीं तो बारिश आ गई तो फिर काम ख़राब हो सकता है। पर जिसका डर था वही होने लग पड़ा, बादल बहुत ही गहरा हो गया, सामान सारा उठा दिया गया, ये बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। बेड को तो धूप नहीं लगी, लेकिन चलो बाकी सब चीज़ों को लगभग धूप लग गई है। और ऐसे उस साइड से काफ़ी ज़्यादा घना बादल आ रहा है, तो ऐसे भी यहाँ रख के कोई फ़ायदा नहीं, बारिश आ जाएगी तो उस वक्त जल्दी जल्दी उठाने पड़ेंगे सब। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 2:50 और हवा बहुत अच्छी चल रही है। जो कपड़े वगैरह जो भी सूखने डाले थे ना, मतलब धूप लगवाने के लिए बिस्तर वगैरह डाले थे, वो उठा लिए, वो अच्छा किया, क्योंकि बादल बहुत गहरा है, बहुत गहरा, और बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश जो अब किसी भी मोमेंट आ सकती है। अब कल के लिए तो बताई थी बारिश, अब देखो आज पड़ती है या नहीं, वो देखने वाली बात है। वाह, तो बारिश वगैरह तो हुई नहीं है बिल्कुल भी, और इस टाइम जो टाइम है वो रात के 8:45 हो चुके हैं, और धोखा दे दिया बादलों ने, तो बड़ी तेज़ आए थे, लेकिन ये कि अच्छा किया जो कपड़े वगैरह हमने उठा लिए थे, सब कुछ उठा लिया था, कंबल वगैरह, क्योंकि उसके बाद भी बाहर रख के कोई फ़ायदा तो था नहीं, ठंडी हवा चल रही थी। और डिनर वगैरह तो हो गया और दिन का पता ही नहीं चला, मतलब काम कुम करते कुछ देर तो वीडियो बनाई, उसके बाद काम में इतने लीन हो गए कि वीडियो का पता नहीं लगा। और अभी याद आया कि वीडियो भी एंड करनी है, कल अपलोड करनी है, तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर से निकलने वाला हूँ मैं कांगड़ा की तरफ, नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कांगड़ा में मिलूँगा, तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।